What is up YouTube, welcome back to KSF Academy, आपके अपने आप रसिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। आज का वीडियो डाइट बेस्ड होने वाला है, एक क्विक डाइट जो कि आप इजिली खा सकते हैं, जो मेजरली यूट्यूब पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ओट्स मील वाला। हमने ऑलरेडी बना रखा है ओट्स। आगे वाले में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ कि हमने मैं ये कैसे बनाता हूँ, क्योंकि ये मेरा मेजरली पोस्ट वर्कआउट मील होता है। लाइक आफ्टर जिम मैं प्रोटीन पीता हूँ और उसके बाद में मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है, तो उसमें ये मैं ओट्स यूज करता हूँ, या आफ्टर वर्कआउट मैं खा लेता हूँ, या फिर नॉर्मल रात को खाने के बाद एक जो ठंडा क्रेविंग होता है, किसी को आइसक्रीम खाना होता है, किसी को कुछ और खाना होता है। सो मेरे हिसाब से चिल्ड ओट्स आपके लिए द बेस्ट चीज रहेगा। वो हेल्दी भी रहता है, हाई इन प्रोटीन भी रहता है और काफी ज्यादा आपको एनर्जेटिक फील करा सकता है। तो ये मील को अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तो इसमें लाइक ओट्स मैंने कुछ 60 ग्राम लिए हैं। 60 ग्राम ओट्स में आपको कुछ 7 ग्राम का प्रोटीन मिल जाएगा। उसमें हमने फिर ड्राई फ्रूट्स जो हमको घर पे मिल जाते हैं वो मैंने यूज किया। उसके बाद में हमने एक स्कूप प्रोटीन पाउडर यूज किया है, मिल्क यूज किया है। सो ये सारे नॉर्मल चीज जो हर एक जिम रैट के घर पे होता ही है वो आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सफोला ओट्स। सो मैं अपने ओट्स को कैसे ज्यादा टेस्टी बनाता हूँ वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एवरी जिम लवर के पास में एक ये वेइंग मशीन तो होना चाहिए। इसमें हम सफोला ओट्स भर रहे हैं। मैं 60 ग्राम ऑफ सफोला ओट्स लूँगा। सो अगर आप 50 ग्राम ऑफ सफोला ओट्स ले रहे हैं तो उसमें कुछ 7 ग्राम का प्रोटीन होता है, तो 7.8 to 9 ग्राम प्रोटीन हमको ये ओट्स से मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे ओट्स में मिल्क ऐड कर रहे हैं। सो एक ग्लास समथिंग 3.4 to 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो। ट्राई करो कि आप जब मिल्क ऐड करो तो वो वेइंग मशीन पर ही करो, फिर गैस ऑन करने के बाद में हम अपना बर्तन इस पर रख देंगे और जो धीमी आंच कहा जाता है तो हम इसे धीमी आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे। हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स में हमने मखाना, काजू, बादाम, किशमिश और थोड़े से खजूर लिए हैं। इसे हम इसी के साथ में बॉयल होते हुए ही ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसे अच्छे से मिक्स कर लो। आप देख सकते हो कि ओट्स सब सूख सा गया है, तो अगर ये एक प्रॉपर अमाउंट है मुझे खाने के लिए, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। अगर आपको गीला ओट्स पसंद है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। गैस बंद करके इसको अब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे होने के बाद में इसको हम फ्रिज में डाल देंगे और कुछ 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। पर उसके पहले मैं इसमें अभी ही प्रोटीन पाउडर ऐड करूँगा। प्रोटीन पाउडर ऐड करने के बाद में मैं अभी एटम का वे प्रोटीन ले रहा हूँ। वे प्रोटीन के बहुत बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे वे प्रोटीन उसका प्रोटीन अमाउंट सीधा 24 ग्राम से बढ़ा देता है। सो जो नॉर्मल हमारा अभी तक 13 ग्राम का प्रोटीन हुआ था उसमें प्लस 10 होने के बाद में 33 to 34 हो जाएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में अब इसको हम फ्रिज में डाल के अपना बाकी काम कर लेंगे। अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं जिम के पहले ही इसको रेडी कर लूँगा ताकि जिम के आने के बाद में मुझे एक अच्छा खासा मील खाने को मिल जाए। या फिर आप जिम से आने के बाद में इसे बना सकते हैं और अपना खाना वाना खाने के बाद में रात में सोने से पहले इसे खा सकते हैं। सो डिसीजन इज़ योर्स। तो हमारा यहाँ पे मील रेडी हो चुका है। 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन, चिल्ड ओट्स, मैंने वेनिला एसेंस और ऐड किया था इसमें जिसकी वजह से इसका टेस्ट और एम्पलीफाई हो गया है। जिस किसी को भी ओट्स नहीं पसंद है मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि वो इसे ऐसे वे में बना के खाएं, आपको ओट्स से प्यार हो जाएगा। ये रुको।
परसों की भाग उतरी नहीं क्या मेरी आगे रखना ना इधर रखना क्योंकि मैं भी कभी भी ये एज पे रखता हूँ डिपेंड करता मैं क्या वो आज थोड़ा पीछे रख रहा था मेरी भी पीछे रखा मैं मोस्टली अपना हाथ क्यों बोला मैं मोस्टली अपना हाथ यहीं पे रखता हूँ ताकि यही सोचू ये जीत क्यों नहीं रहा एकदम से कैप नहीं दिखा भाई कैप नहीं दिखा भाई ये कृष्णा है भाई $11 साइन बिना कैप के बिना कैप के भाई इससे होता नहीं बोला कृष्णा बोला भाई तू तो है बढ़िया भाई चलो तो बेस्ट ऑफ थ्री कर दे ऑफिशियल ट्रैप्स व्रैप्स तुमको स्लिप करना पड़ेगा तब मिलेगा 10 मिनट आराम तुमको मिलेगा 10 सेकंड खुद से ग्रिप लेने का अदरवाइज तुमको मिलेगा रफरी ग्रिप स्ट्रैप ना 10 सेकंड 20 सेकंड तेरे दोस्तों कैसे किया था वो नया मौका उसको बंद कर दे यार